द टू पॉजिटिव चार्जेज डिस्टेंट 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन इफ द सम ऑफ चार्जेज बी 9 माइक्रो कूलम देन कैलकुलेट दियर सेपरेट वैल्यूज। ओके बच्चों, यहां पे हमसे कहा जा रहा है कि दो चार्ज है और उन दोनों चार्जेज का सम कितना है, 9 माइक्रो कूलम। इसका मतलब यह हुआ कि अगर फर्स्ट चार्ज हम सपोज कर लेते हैं क्यू माइक्रो कूलम, तो सेकेंड चार्ज कितना होगा बच्चों, ये होगा 9 माइनस क्यू माइक्रो कूलम। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ना दोनों चार्ज का सम क्या है, 9 माइक्रो कूलम। इसका मतलब क्या है, पहला अगर क्यू है दूसरा 9 माइनस क्यू, ऐड कर दो तो क्या जाएगा, आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम। बहुत बढ़िया बच्चों, कह रहे हैं ये एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे, इसका मतलब अगर क्यू माइक्रो कूलम इधर रखा है तो इधर क्या रखा है, 9 माइनस क्यू माइक्रो कूलम। और कितनी दूरी पर रखे हैं ये, 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। कह रहे तो इनके बीच रिपल्सिव फोर्स, भाई रिपल्सिव क्यों है, क्योंकि दोनों चार्ज सेम साइन के होंगे, मतलब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। तो कह रहे हैं कि इनके बीच रिपल्सन 18 न्यूटन का है, इसका मतलब जो F है वो कितना है बच्चों, 18 न्यूटन का। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं इन चार्जेज की सेपरेट वैल्यूज क्या है, तो हमारा काम क्या हो गया, हमें Q की वैल्यू पता करनी, Q पता चल जाए तो दूसरा चार्ज 9 माइनस क्यू अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कूलम्स लॉ का यूज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ से अगर तुम बात करो बच्चों, तो एफ का फार्मूला क्या होता है, तो एफ का फार्मूला होता है 1/4πε0, यानी कि Q1 Q2 / r². तो फोर्स कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 / r². देखिए ये Q1 है यानी कि पहला चार्ज है, ये Q2 है यानी कि दूसरा चार्ज। वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, तो क्या आएगा, F = 1/4πε0, ये कितना दिया है, ये दिया 9×10⁻¹। F भी दिया है, देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना आएगा F की जगह, ये आएगा 18 न्यूटन। Q1 क्या है, क्यू माइक्रो कूलम, तो बच्चों माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि सारी कैलकुलेशन इनके सेम करते हैं, तो माइक्रो कूलम को कूलम में बदलते क्या आता है, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ आ जाता है। Q2 तो Q2 क्या होगा, 9 माइनस क्यू, फिर वही बात, माइक्रो माइक्रो को मतलब 10⁻⁶ / r². इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 0.1 है, इसका हम क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर कर देंगे। देखो बच्चों ये 9 इधर है, ये 18 इधर है, इससे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, 2, तो इधर क्या बचा, 2 = 10⁻⁶ माइनस 6 कितनी हो जाएगी, ये 6 हो गई 12, माइनस का और ये 9 ऐड होगी तो क्या हो जाएगी, ये बचेगी 10⁻³, कितनी बचेगी, देखो 9 माइनस 6 तो प्लस का 3 बची, और ये माइनस 6 में आया तो क्या बचा, माइनस 3, 10⁻³ बची, इंटू क्या बचेगा बच्चों, क्यू 9 माइनस क्यू, ठीक है, और अपान में 0.1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0.01। देखिए बच्चों 0.01 का मतलब था, जब पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, 2 पावर हुई, इससे कम होगी, 10⁻⁻ बचेगी, 10⁻⁻ का मतलब होता है अपान 10, मतलब 2 = यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, देखो 9q - q² / 10, क्यों, क्योंकि 10⁻⁻ बची तो वो 1/10 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना, 10⁻⁻ हो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/10, सिंपल वही लिख दिया गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा, देखो 20 = 9q - q². ठीक है, इसको अब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे बच्चों। देखिए बच्चों इन सबको इधर उठा लो, इधर क्यू स्क्वायर माइनस का, इधर आएगा प्लस का, 9q उधर प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का, तो क्या बचेगा, ये बचेगा q² - 9q + 20 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो, जैसे x²
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो करते थे, उसके फैक्टर करते थे ना, क्या करते थे, इसके नंबर और इसके नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, इसके मल्टीप्लाइंग क्या है वन, क्यू में क्वाड्रेटिक है इक्वेशन ध्यान रखना, तो वन का ट्वेंटी से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा ट्वेंटी, अब ट्वेंटी को ऐसा तोड़ो कि नाइन आ जाए, तो सिंपल सी बात है कि इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा क्यू स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं फाइव प्लस फोर, भाई फाइव इंटू फोर करोगे नाइनटी आ जाएगा, ट्वेंटी आ जाएगा, और फाइव प्लस फोर करोगे तो नाइन आ जाएगा, गुड, क्यू प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो यह आएगा क्यू स्क्वायर माइनस फाइव क्यू प्लस फोर क्यू, ये सॉरी माइनस या मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस फोर क्यू प्लस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्यू कॉमन ले लो तो बच्चों क्या बचेगा क्यू माइनस फाइव, माइनस का फोर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा क्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्यू माइनस फाइव कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बचेगा क्यू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब इफ क्यू माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो देन क्यू इज इक्वल टू फाइव, और इफ क्यू माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो देन क्यू इज इक्वल टू फोर, ध्यान से देखिए बच्चों, इसका मतलब q की वैल्यू आप चाहो तो 5 माइक्रो कूलाम भी ले सकते हो या q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम भी ले सकते हो, अब सोचो अगर q की वैल्यू 5 ले लोगे तो q2 कितना आ जाएगा, दूसरा चार्ज कितना आ जाएगा 9 माइनस फाइव यानी कि 4 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, अगर q की वैल्यू 4 माइक्रो कूलाम ले लोगे तो q2 कितना आ जाएगा 9 माइनस फोर यानी कि 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, इसका मतलब एक चार्ज होगा बच्चों 5 माइक्रो कूलाम तो दूसरा चार्ज होगा 4 माइक्रो कूलाम, क्यों, क्योंकि q की वैल्यू हमने 5 ले ली है, तो अगर 4 लेंगे तो पहला वाला 4 आएगा दूसरा 5, तो कुल मिला के एक चार्ज 4 और दूसरा है 5 माइक्रो कूलाम, ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कर लीजिए, और बच्चों आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगर 85% यूजर हमारे अनसब्सक्राइब हैं केवल 15% सब्सक्राइब हैं, तो बच्चों आपके सब्सक्राइब करने से आपका तो कह सकते हैं कोई नुकसान नहीं है, बट उससे क्या है कि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों,